नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव करने की बात बहुत पहले से की जा रही थी विदेशियों तक यह कहते आ रहे थे कि भारतीय शिक्षा नीति बच्चों के स्किल को विकसित करने के बजाय उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही देती है जिसका परिणाम यह होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय युवा नौकरी पाने की होड़ में लग जाते हैं ना कि नौकरी बनाने की कोशिश करते हैं बुधवार 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत में नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी उन्नीस में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे और अब 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है आपको बता दें कि पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नौ सदस्यों की समिति ने इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर रिपोर्ट कार्ड यूजी एडमिशन के तरीके एम तक बहुत कुछ बदल चुका है तो चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है सबसे पहला बदलाव है मंत्रालय के नाम का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है आजादी से लेकर उन्नीस तक इसे शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था लेकिन उन्नीस में राजीव गांधी सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू की थी उसमें इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था अब पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की यानी ट्वेल्थ के बाद की पहली बार भारत में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है सामान्य भाषा में कहें तो इसका मतलब है आप ग्रेजुएशन में जितना वर्ष पढ़ेंगे आपको उसका उतना क्रेडिट दिया जाएगा उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने तीन साल या चार साल के बैचलर डिग्री के कोर्स में एडमिशन लिया लेकिन किसी कारण आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है तो आप जितना आपने पढ़ा है उसका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा अगर एक साल पढ़कर छोड़ते हैं तो एक साल का सर्टिफिकेट दो साल पर छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और तीन साल पर छोड़ते हैं तो डिग्री आपको मिल जाएगी नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर वो कोई भी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं साइंस आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के जो तरीका है अब तक जो चला आ रहा है हमारी शिक्षा नीति में उसे कमजोर किया गया है खत्म नहीं किया गया है क्योंकि इसमें अभी भी कुछ कैटेगरी मौजूद है इसके अलावा नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन की अवधि में थोड़ा बदलाव किया गया है अभी तक ग्रेजुएशन की अवधि तीन साल की होती है लेकिन नई शिक्षा नीति में जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा लेकिन जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही पहले की तरह डिग्री प्रोग्राम करेंगे लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद एक साल के स्नातकोत्तर के साथ सीधे पीएचडी कर सकते हैं उन्हें एम की जरूरत अब नहीं होगी अब बात करते हैं पढ़ाई की शुरुआती चरण यानी स्कूली प्रक्रिया की अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम टेन प्लस टू के हिसाब से चलता है लेकिन नई शिक्षा नीति में टेन प्लस टू के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और इसके जगह पर अब फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के फॉर्मेट को स्थापित किया गया है हालांकि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी लेकिन वहां तक तो पहुंचने के माध्यम में बदलाव जरूर हुआ है अब स्कूल शिक्षा का नया ढांचा फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के फॉर्मेट सिस्टम को समझ लेते हैं सामान्य भाषा में कहें तो आपकी स्कूली शिक्षा को चार स्टेज में बांट दिया गया है पहला है फाउंडेशन स्टेज जो पाँच साल का होगा इसके तहत पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे फिर अगले दो साल कक्षा एक एवं दो में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे इन पाँच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा इसमें तीन से आठ साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे इस प्रकार पढ़ाई के पहले पाँच साल का चरण पूरा होगा दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज वो तीन साल का होगा इस चरण में कक्षा तीन से पांच तक की पढ़ाई होगी इस दौरान किताबों के बजाय प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान गणित कला एवं अन्य जरूरी पढ़ाई कराई जाएगी आठ से ग्यारह साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा तीसरा है मिडिल स्टेज इसमें कक्षा 6 से आठ की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा ग्यारह से चौदह साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप करवाई जाएगी यानी जिस बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि होगी वो उस क्षेत्र की कंपनी या संस्थान में जाकर उसके बारे में बारे में व्यवहारिक ज्ञान ले सकता है जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है बच्चों को कोडिंग की भाषा भी छठी कक्षा से सिखाई जाने की बात कही गई है चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज कक्षा नौ से बारहवीं की पढ़ाई दो चरणों में होगी जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा विषयों को चुनने की आजादी भी आपको इसी दौरान मिल जाएगी अभी तक वो ग्यारहवीं क्लास से ही आपको विषय चुनने की आजादी होती है नई शिक्षा नीति में आर्ट म्यूजिक क्राफ्ट स्पोर्ट्स योग आदि को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है पहले आप इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते थे लेकिन अब ये आपके पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे अब बात करते हैं बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्योंकि इसमें एक ऐसा बदलाव किया गया है जो बड़ा ही दिलचस्प है अब रिपोर्ट कार्ड में दो नए कॉलम होंगे एक कॉलम में बच्चा अपना खुद मूल्यांकन करेगा और दूसरे कॉलम में उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे ये बड़ा ही मजेदार है इस पर आपसे एक सवाल है कि रिपोर्ट कार्ड में यह व्यवस्था क्यों की गई है कमेंट करके आप जरूर जवाब दीजिएगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो नई शिक्षा नीति बच्चों पर किताबों की बोझ को कम करती है और उनके स्किल का विकास कर उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है लेकिन नई शिक्षा नीति तभी सफल होगी जब सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी इसे लेकर भी सरकार ने निर्णय लिया है अब शिक्षा सर... पर सरकार पहले से ज्यादा खर्च करेगी मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय जीडीपी का छह प्रतिशत अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा यह एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है अभी तक भारत की जी का चार चार प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च होता रहा है बड़ी बात यही है कि नीति बना देने से तो कुछ होना नहीं है जब तक कि उसे अमल में नहीं लाया जाता पहले की जो शिक्षा व्यवस्था हमारी थी वो उतनी भी बुरी नहीं थी लेकिन सिस्टम की नाकामियों की वजह से वो बदहाल हो गई है नई शिक्षा नीति बेशक बेहतरीन है लेकिन पूरे देश में यह किस तरह से अमल में लाई जाती है वह तय करेगा कि यह सफल है या असफल आज के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़ धन्यवाद